पुष्कर सरोवर के दर्शन करने के बाद और वहाँ का जल का छीटा लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी के मंदिर की ओर, तो वहाँ भी दर्शन करते हैं और उनके द्वार तक पहुँचते हैं। इकलौता मंदिर है ब्रह्मा जी का, देखेंगे विश्व में इकलौता मंदिर। और भीड़ देखिए आप कितनी आई हुई है मेरे पीछे। दोस्तों यहाँ संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी की आरती क्यों नहीं होती या क्या कारण है कि सिर्फ एक ही मंदिर है पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का, वो भी केवल पुष्कर में। पुराणों कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी एक बार विचरण करते करते कहीं अग्नि यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, उनके हाथ में जो कमल का फूल था वो उनसे गिर जाता है और जिस जगह पर वो फूल कमल का गिरता है धरती पर गिरने के बाद वहाँ पे एक पानी का झरना फूट पड़ता है जिसका नाम पुष्कर सरोवर या पुष्कर झील रखा जाता है। अब यज्ञ में ब्रह्मा जी को अपने साथ में पत्नी का होना ज़रूरी था क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ को संपूर्ण नहीं माना जाता है। ब्रह्मा जी की पत्नी यज्ञ में शामिल ना हो पाई और मुहूर्त निकला जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसी समय एक अपना निर्णय लिया कि क्यों ना वह किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लें और उसको अपने साथ अपनी पत्नी के रूप में बैठा करके, अपनी अर्धांगिनी के रूप में बैठा करके इस यज्ञ को जो उन्होंने अग्नि यज्ञ पूरा करना था उसको संपूर्ण कर लें। अब जब वो अग्नि यज्ञ को पूरा करने के लिए दूसरी विवाहित अपनी स्त्री के साथ में विवाह करने के पश्चात उस यज्ञ में बैठ जाते हैं और यज्ञ को पूरा कर लेते हैं तो यज्ञ का तो उनको पूरा लाभ मिल जाता है, किसको? ब्रह्मा जी को। लेकिन जैसे ही उनकी पहली पत्नी यानी कि सावित्री देवी को, जो वट सावित्री के नाम से भी जानी जाती हैं, उनको जब पता चलता है तो वह ब्रह्मा जी पे क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी को वो एक श्राप दे देती हैं कि अब आज के बाद विश्व में कहीं भी तुम्हारी कोई भी सनातन धर्मी तुम्हारी कहीं भी पूजा ना कर पाएगा। अब ये बात सुनकर सभी देवतागण और स्वयं ब्रह्मा जी भी हैरान परेशान हो जाते हैं और देवी माँ से यानी कि सावित्री देवी से, जो कि ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी थी, उनको कहते हैं कि अपना श्राप वापस ले लो। तब उनका क्रोध शांत होने के बाद में स्वयं सावित्री देवी माँ खुद कहती हैं कि जो श्राप दे दिया वो तो अब वापस हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक ये जो मंदिर यहाँ पर आपका बना है और यहीं पर आपकी केवल पूजा हो पाएगी और दूसरी जगह ना कोई आपका मंदिर बनाएगा ना पूजा होगी, और यही वो मंदिर है जिसमें अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ की सुंदर सजावट फूलों से आप देखकर बिल्कुल अभिभूत हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर इस मंदिर को सजाया गया है। यही है ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर राजस्थान भारत में स्थित है। तो यहाँ की महिमा का वर्णन करते हुए जो भी मैं आपको संक्षेप में बता सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आप यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर के और ज़रूर दर्शन करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको भी यहाँ की सुंदर सजावट के साथ साथ ब्रह्मा जी के दर्शन का लाभ भी आपको मिले। बहुत सुंदर मंदिर को फूलों से सजाया गया है, भक्तगणों की भी कोई कमी नहीं है। जो भी अजमेर या आसपास कहीं घूमने आता है तो वो पुष्कर भी घूमने के लिए ज़रूर आता है, पुष्कर लेक और ब्रह्मा जी के मंदिर करता है। तो यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम और आप ब्रह्मा जी के बिल्कुल समक्ष मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहीं से आप उनको निहार सकते हैं, उनके पूरे दर्शन सम्मुख रह करके उनके कर सकते हैं और उनका ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपके बिल्कुल समक्ष ब्रह्मा जी की मूर्ति है और यहीं पर सब भक्तजन आकर के अपने दर्शन करके उनको प्रसाद चढ़ा के अपनी मन्नत को मानते हैं और अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। वहाँ से जो दर्शन कर जा रहे हैं वो अब इधर से बाहर निकलेंगे परिक्रमा करते हुए, तो एक परिक्रमा कर लेते हैं। आगे चले, आगे चले।
बीच में खड़े होकर रास्ता नहीं रोके। लोग तो खाओ बनाओ ना।